एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ड्रीम लाइफ पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एम्बेसी इंटरव्यू के रिगार्डिंग, स्लोवाकिया कंट्री की एम्बेसी इंटरव्यू फॉर वर्क परमिट के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कि कैसे आपको इंटरव्यू अटेंड करनी है, किस तरह के जो आपको सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको जवाब देने हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बिना स्किप किए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए जो आपको अच्छे से समझ आ सके। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो वर्क परमिट का, स्लोवाकिया वर्क परमिट का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपका जो होता है एग्रीमेंट आता है। तो एग्रीमेंट आपको मिलता है, उसके बाद उसके आपके सिग्नेचर उस एग्रीमेंट पे होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वही से शुरू हो जाता है। जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो हमें ध्यान से देखना होता है, उसी के ऊपर सारी डिटेल्स होती है। जो भी इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे सबके आंसर उस आपको एग्रीमेंट पे ही मिल जाते हैं। तो हमें वो एग्रीमेंट बिल्कुल ध्यान से देखना है। जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर ही आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपका क्या काम है, आपकी क्या सैलरी है, कहाँ आपकी कंपनी है, वो सब कुछ उसके ऊपर ही लिखा होता है। तो वो आपको ध्यान से एक बार देख लेना है। जो आपका एग्रीमेंट है वो आपको एकदम ध्यान से देखना है। और उसके बाद जब आपकी एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, जो आपको डेट मिल जाती है, उस डेट पे आपको एम्बेसी में जाना होगा। जो इंडिया में एम्बेसी है वो दिल्ली में एम्बेसी है जो क्या की है। और अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई में जो एम्बेसी अबू धाबी में है, और पाकिस्तान में जो एम्बेसी स्लोवाकिया कंट्री की एम्बेसी नहीं है तो हम चेक रिपब्लिक की एम्बेसी में जाएंगे। जो चेक रिपब्लिक की एम्बेसी है वहां जाके हम अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करेंगे स्लोवाकिया कंट्री के लिए। और जब आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है तो उस डेट को जो भी टाइम है उस टाइम से एक दो घंटा पहले ही आपको वहां जाना होता है। वहां जाके आपको देखना होता है कि क्या सीन चल रहा है, वहां आपको थोड़ी समझ लगनी चाहिए कैसे प्रोसेस चल रहा है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेल ड्रेस्ड होके जाओ। वेल ड्रेस्ड होके जाओ, आप अच्छे से अपनी जो फॉर्मल ड्रेस है वो अच्छे से पहन के जाओ। और जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होगी वो आपको अच्छे से अरेंज की हुई होनी चाहिए, वो आपको अच्छे से होल्ड करके उसको अच्छे से अरेंज करके लेके जाना है। और अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे कि जो आपसे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे, वो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके एग्रीमेंट के रिलेटेड ही होंगे, वो आपकी जॉब के रिगार्डिंग ही होंगे। और अगर आप पूछोगे कि कौन सी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होगा तो वो आप किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं। वो आपको, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, और अगर आप हिंदी में जाएं, जो भी आपकी लैंग्वेज कंफर्टेबल लैंग्वेज है वो उसी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। सबसे पहले वो आपको आपका नाम, आपका पता, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी एज के बारे में पूछेंगे, आपके काम के बारे में पूछेंगे, और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा उसी के बारे में वो आपको पूछेंगे। तो आपको जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको वही काम का एक्सपीरियंस वहां बताना होता है कि मैंने ये काम पहले किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, इस तरह के वो सवाल पूछते हैं, तो आपको उसी के रिलेटेड ही आंसर करने होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो इस तरह का होता है कि आपकी कंपनी का क्या नाम है, तो वो आपको एग्रीमेंट में अच्छे से याद करके रखना है कि क्या आपकी कंपनी का नाम है, कहाँ है, इस तरह के वो सवाल होते हैं, तो वो आपको एग्रीमेंट से देख लेने हैं अच्छे से। और वो आपकी सैलरी के बारे में पूछेंगे, वो सैलरी भी आपके उसके एग्रीमेंट के ऊपर ही होगी, तो वो सैलरी भी आपको अच्छे से देख लेनी है कि कितनी सैलरी है, यूरो में है, कौन सी करेंसी में है, तो वो इस तरह से पूछेंगे, तो आपको वो भी अच्छे से बता देना है कि मेरी इतनी सैलरी है, तो वो जो एग्रीमेंट पे होगी आपको वही बतानी है। और उसके बाद जो उनका अगला सवाल होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि आप जहाँ से काम छोड़ के वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, कि किसी और कंट्री में आप क्यों जा रहे हैं, वहाँ स्लोवाकिया में क्यों जा रहे हैं, तो आप उनको सिंपली वो सच होगा जो वही बताएंगे कि मैं वहाँ बस एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहा हूँ या कुछ टाइम काम करूंगा। उनको ये नहीं बोलना कि मैं परमानेंटली वहाँ काम करूंगा 10 साल या ऐसे कुछ रह के आऊंगा, बोलना है 2-3 साल मैं काम करूंगा तो और फिर मैं वापिस आ जाऊंगा। और उसके बाद वो आपसे रीजन पूछेंगे कि आप बताओ कि क्यों आप अपनी कंट्री में वापस आएंगे, हम कैसे मान ले, तो आप बता सकते हो कोई अच्छा उनको वैलिड रीजन दे सकते हो कि जैसे आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स है इधर, आपकी वाइफ है, जो भी है, तो आप ऐसा कुछ रीजन दे के उनको बता सकते हैं कि मैं हाँ वापस आऊंगा। और एक सवाल उनका कुछ इस टाइप का होता है कि वो आपको पूछेंगे कि आपको पता है कि स्लोवाकिया के साथ और कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, आपको पता है, तो आपको उसका आंसर देना है कि मुझे नहीं पता कि कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता कि कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, क्योंकि वो देखते हैं
हैं कि अगर इसको पता है कि और शैनिगन में कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज आस पास है, तो वो उनको लगता है कि ये जरूर जहां से निकल के किसी और कंट्री में शिफ्ट होगा। तो आपको इसका जो जवाब है वो बिल्कुल क्लियर नहीं देना है, आपको बोलना है कि मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, एक दो बस थोड़ा इधर उधर करके आपको वो बताना है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताना है कि ये बॉर्डर लगते हैं। उनको ऐसा लगेगा फिर कि इन्होंने तो बिल्कुल पहले ही पूरा मैप रीड करके रखा हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री है, हमें कहाँ से जाना है, तो इसके इस वजह से उनको और डाउट हो जाएगा। तो कभी भी आपको ये नहीं बताना उनको। और अब आता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो आपसे पूछेंगे कि आपने जो एग्रीमेंट है, जो वर्क परमिट का एग्रीमेंट है, वो कहाँ से लिया। तो आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे एजेंट ने प्रोवाइड करवाया है, तो आपको आंसर करना है कि ये मेरा कोई रिलेटिव है, या कोई मेरा भाई बहन है, या कोई दूर का मेरा नोन है जिसने मुझे ये एग्रीमेंट दिया है। आपको ये नहीं बोलना है कि एजेंट ने दिया। अगर आप बोलोगे कि एजेंट ने दिया है, तो मैं बोलूंगा कि आपके 90% चांस है कि आपका वीजा जो रिजेक्ट होगा। तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैं एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ। और ये कुछ इस तरह का लेआउट था जो एम्बेसी का इंटरव्यू होता है, स्लोवाकिया एम्बेसी का जो इंटरव्यू था। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एग्रीमेंट, आपका जो एग्रीमेंट होगा वो आपको अच्छे से देख लेना है कि उसके ऊपर क्या क्या है। तो आपको वो हर एक चीज अच्छे से देख के उसको अपने दिमाग में रख लेना है। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स हैं स्लोवाकिया एम्बेसी की, वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं 2022 की। तो अभी 2023 में जैसे कोई मिलेगी, जो कोई अपडेट आएगी, मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं आशा करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।